बिहार में मौसम का मिजाज बदला सा है। मॉनसून भले ही लौट चला है, बारिश का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। मौसम में बदलाव की वजह बना है बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र, जिसकी वजह से बिहार सहित कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण और निम्न दबाव के कारण मैदानी इलाकों पर असर हुआ है। बारिश की वजह से दुर्गा पूजा में श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हुई, कई जगहों पर मेला नहीं लगा। अब विजयदशमी के मौके पर मौसम खराब रहने की संभावना है। आंधी और बारिश दुर्गा पूजा के बाद अब दशहरा के दिन भी मेले के रंग में भंग डालने वाली है। मौसम विभाग ने बुधवार को 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही पटना समेत 26 जिलों में भी वज्रपात के साथ पानी गिरने के आसार हैं। पटना मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक बुधवार को पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी और मधुबनी जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। साथ ही पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा और मधुबनी जिले में कहीं कहीं पर ठनका गिरने का खतरा बना रहेगा। मौसम विभाग की माने तो बिहार के उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी इलाकों में बुधवार को कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। राजधानी पटना से लेकर मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, भागलपुर, मुंगेर, गया, दरभंगा में भी दशहरा पर मौसम माहौल बिगाड़ सकता है। हालांकि सीमांचल में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। गुरुवार से राज्य में बारिश की गतिविधियां कम होंगी और मॉनसून की विदाई शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक पूर्वानुमान में बताया गया है कि यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश के साथ बिहार के कई जिलों में आज भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के दिल्ली केंद्र ने बिहार के लिए बुधवार को येलो अलर्ट जारी किया है। सबसे बड़ी राहत ये है कि गुरुवार को यानी 6 अक्टूबर से राज्य का मौसम सामान्य स्थिति में लौट आएगा। वहीं दिन की लंबाई घट रही है और रातें लंबी होने लगी हैं। लोगों को हल्की ठंडी का एहसास होने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।